वेलकम टू आईएनटी सीबीटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज के अंदर विंडोज 95 से क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, और उसके बाद क्या किया गया, इसको हर विंडोज के हर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया, कंटिन्यू किया गया, और साथ ही इसको क्या किया गया, इंप्रूव भी किया गया। ठीक है, तो विंडोज 7 के अंदर जो इंटरनेट एक्सप्लोर का जो वर्जन है वो है IE8। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो IE8 के अंदर कई सारे एडवांस फीचर आए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो फीचर आया दैट इज कंपेबिलिटी व्यू। ठीक है, ये क्या होता है कंपेटिबिलिटी व्यू, इसके बारे में हम बात करते हैं। वेबसाइट दैट वर डिजाइन फॉर अर्लियर वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर माइट नॉट डिस्प्ले करेक्टली इन द IE8 एंड अबोव वर्जन इंक्लूडेड इन विंडोज 7। मतलब कि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं जो कि IE8 के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई है, वो क्या कि किसके हिसाब से डिजाइन की गई है, वो किसी पुराने इंटरनेट एक्सप्लोर के वर्जन के हिसाब से डिजाइन की गई है, तो ऐसी वेबसाइट आपको IE8 के अंदर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट को प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, कंपेटिबिलिटी व्यू का, कंपेटिबिलिटी मोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू टर्न ऑन कंपेटिबिलिटी व्यू द वेब पेजेस यू आर व्यूइंग एज वेल एज एनी अदर पेजेस वेब पेजेस विद इन द वेबसाइट डोमेन विल बी डिस्प्लेड एज इफ यू वर यूजिंग अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर। जिसे आपने कंपेटिबिलिटी व्यू सिलेक्ट किया वैसे ही वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस है वो क्या होने लगेंगे, प्रॉपरली डिस्प्ले होने लगेंगे। अब मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर करके कर रहे हो, पुराना वर्जन यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। और आप जो यूज कर आपकी जो वेबसाइट के जो कंटेंट है जो कि प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहे थे वो क्या होने लगेंगे, आपको प्रॉपरली डिस्प्ले होने लगेंगे। अब कंपेटिबिलिटी मोड को कैसे यूज किया जाए इसके बारे में देखते हैं। थ्रू द सबसे पहले थ्रू द आई एड्रेस बार देखते हैं इसके बारे में। इफ इंटरनेट एक्सप्लोर रिकॉग्नाइज अ वेबसाइट दैट इज नॉट कंपेटिबिलिटी कंपेटिबल यू विल सी द कंपेटिबिलिटी व्यू आइकॉन बटन ऑन द एड्रेस बार। अगर इंटरनेट एक्सप्लोर ने रिकॉग्नाइज किया कि आप जो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं वो कंपेटिबल नहीं है विंडोज IE8 के, तो उस कंडीशन में क्या दे देगा, वो आपको एड्रेस बार पर ही क्या मिल जाएगी, आपको कंपेटिबिलिटी व्यू आइकॉन बटन वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है CNN.com। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट क्या है, कंपेटिबल नहीं है IE8 के। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कंपेटिबिलिटी आइकॉन बटन, यहाँ पे ऐसा एक बटन मिल जाएगा। ठीक है, ये बटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो IE8 के कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर ओपन करने के लिए इसके ऊपर क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वेबसाइट जो है वो क्या होगी, फिर से क्या की जाएगी, अपलोड की जाएगी, और जी डिस्प्ले होगी। इस बार किसके अंदर डिस्प्ले होगी, कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर क्या होगी, डिस्प्ले होगी। ठीक है, जब आपका कंपेटिबल मोड ऑन है तब आपका जो ये कंपेटिबिलिटी आइकॉन जो बटन है वो क्या दिखेगा, हाईलाइटेड दिखेगा। ठीक है, अगर वापस से मैं इसको कंपेटिबिलिटी मोड को ऑफ करना चाहता हूं तो फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कंपेटिबिलिटी मोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर आप कंपेटिबिलिटी मोड ऑन करना चाहते हैं इस वेबसाइट के लिए तो उस कंडीशन में आप कहां पे भी जा सकते हैं, टूल्स पे जाके, और कंपेटिबिलिटी व्यू का भी यूज कर सकते हैं। सेम काम आप यहां से भी कर सकते हैं, सेम जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब आपका जो बटन है कंपेटिबिलिटी व्यू आइकॉन बटन है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट किसके अंदर ओपन हो जाएगी, कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर से ऑफ करने के लिए आप टूल्स में जाइए और कंपेटिबिलिटी व्यू को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, अनसिलेक्ट कर दीजिए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका कंपेटिबिलिटी मोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
आप किसका भी यूज कर सकते हैं, कंपेटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरी वेब इन वेब कुछ आपको कुछ आप जनरली कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं और आपको पता है कि उन सारी वेबसाइट के साथ मुझे कंपेटिबिलिटी इश्यू आते हैं, तो उस कंडीशन में उन सभी वेबसाइट को आप कहां पे ऐड कर सकते हैं, यहां पे ऐड करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमेशा किसके अंदर, वो वेबसाइट हमेशा किसके अंदर ओपन होगी, कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर ही क्या होगी, ओपन होगी। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरी मुझे पता है कि मेरी जीमेल के साथ, सपोज दैट जीमेल के साथ क्या है, कंपेटिबिलिटी का इश्यू है, तो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करवा सकता हूँ www.gmail.com और क्या करवा दूं, ऐड। तो इस कंडीशन में जब भी मैं जीमेल ओपन करूंगा तब हमेशा क्या होगी, मेरी जो जीमेल जो वेबसाइट है वो क्या होगी, हमेशा कंपेटिबिलिटी मोड में ही क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसका यूज कर सकते हैं, कंपेटिबिलिटी मोड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपके इंटरनेट एक्सप्लोर का जो अगला फीचर है वो है आपका क्विक टैब्स। ठीक है, क्विक टैब्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उन सभी आपने जितने भी टैब्स आपके इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन कर रखे हैं उन सभी टैब्स को क्या कर सकते हैं, आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टैब पे क्या चल रहा है और उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्विक टैब्स शोज यू टू ऑल करंटली ओपन टैब्स एट ग्लांस टू हेल्प यू सिलेक्ट द पेज यू नीड। ठीक है, इजीली क्या कर पाएंगे आप, जिस पेज की आपको जरूरत है उस पेज को क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। तो क्विक टैब को कैसे यूज किया जाए ये हम देखते हैं। इसके लिए मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर में कई सारी टैब्स ओपन कर रखी है। अब यहां पे मैं आइडेंटिफाई करना है कि किस टैब के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या थोड़ा टिपिकल टास्क है, तो इसके लिए मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक टैब ऑप्शन। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, क्लिक करता हूं, तो इसके बाद जितनी भी टैब्स जो ओपन है उन सब वो सब मुझे किसके अंदर दिखने लग जाएगी, क्विक टैब व्यू के अंदर दिखने लग जाएगी। यहां से मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि किस टैब के अंदर क्या ओपन है और मैं उसको सिलेक्ट करके उसी डायरेक्टली उसी टैब पर भी क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली जा सकता हूं। ठीक है, आपके इंटरनेट एक्सप्लोर में जो अगला जो अच्छा फीचर है वो है आपका इन प्राइवेट ब्राउजिंग। इन प्राइवेट ब्राउजिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि IE8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूं एक बात, अगर आप इंटरनेट कहां पे एक्सेस कर रहे हैं, साइबर कैफे में एक्सेस कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह पे एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं जो जो कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर पर जब आप आपकी कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपका जो वेब ब्राउजर होगा उस तो उसकी वो हिस्ट्री और कुकीज को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ऐसे कंप्यूटर पर अगर आपका ईमेल आईडी ओपन किया या फिर बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो आपका जो ब्राउजर है वो क्या करेगा, उसकी हिस्ट्रीज और कुकीज को क्या करेगा, मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके अकाउंट की जो आपकी जो प्राइवेट डिटेल्स है वो किसके हाथों में जा सकती है, दूसरे यूजर्स के हाथों में भी क्या हो सकती है, जा सकती है। तो ये क्या है, एक बहुत ही रिस्की है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोर ने क्या किया, एक नया ऑप्शन दिया है जो कि क्या आपका इन प्राइवेट ब्राउजिंग। मतलब कि जब आप ऐसे कंप्यूटर को अगर जब भी आप इंटरनेट किसी साइबर कैफे पर एक्सेस कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे कंप्यूटर पर एक्सेस कर रहे हैं जो कि मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर किया जाता है, तो वहां पे आप किस इस इन प्राइवेट ब्राउजिंग ऑप्शन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोर है वो ना कोई हिस्ट्री और ना कोई कुकीज वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आपकी सिक्योरिटी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं जाएगी। ठीक है, इन प्राइवेट ब्राउजिंग हेल्प्स प्रिवेंट इंटरनेट एक्सप्लोर फ्रॉम स्टोरिंग डेटा अबाउट योर ब्राउजिंग सेशन, दिस इंक्लूड्स कुकीज, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, हिस्ट्री एंड अदर डेटा, टूल बार्स एंड एक्सटेंशंस
आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इन प्राइवेट ब्राउजिंग को यूज करने के लिए आप हम कहां चलते हैं, हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर पे चलते हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर पे इन प्राइवेट ब्राउजिंग को लॉन्च करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, सेफली, और यहां पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा इन प्राइवेट ब्राउजिंग। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे ही क्या होगा, मेरा जो इंटरनेट एक्सप्लोर है वो किस मोड में ओपन हो जाएगा, इन प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये जो सिंबल है इन प्राइवेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोर जो चल रहा है वो किस मोड में चल रहा है, इन प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ना आपकी कोई हिस्ट्री और ना कोई कुकीज मेंटेन की जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोर का जो अगला फीचर है वो है ऑटोमेटिक क्रैश रिकवरी। कई बार क्या होता है, सपोज दैट आप जो इंटरनेट है वो किसी कंप्यूटर पर एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर क्या हुआ, सपोज दैट वो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोर है उस कंप्यूटर पर क्रैश हो गया, या फिर किसी रीजन से आपका कंप्यूटर क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने जितने भी टैब्स वगैरह जितने भी टैब्स ओपन किए हुए थे इंटरनेट एक्सप्लोर में, वो सभी क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी प्रॉब्लम से, मतलब कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे या फिर जब फिर से आप इंटरनेट एक्सप्लोर को लॉन्च करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो आपके पुराने टैब्स जो आपने ओपन किए थे वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट इंटरनेट एक्सप्लोर IE8 के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। IE8 क्या करता है, आपको ऑटोमेटिक क्रैश रिकवरी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इफ IE8 क्रैशेस व्हाइल यू आर यूजिंग इट, यू वॉन्ट लूज यूर करेंट टैब्स, IE8 recovers your browsing session automatically। मतलब कि IE8 क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जब आप नेक्स्ट टाइम जब फिर से IE8 को लॉन्च करेंगे, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली पूछ लेगा कि आप जो पुराने टैब्स को रिस्टोर करना चाहते हैं, जो आपके पुराने सेशन थे उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, या फिर नया सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप पुराने सेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसको यूज कर सकते हैं, रिस्टोर योर लास्ट सेशन, इस ऑप्शन को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपने जितने भी टैब्स जो पहले ओपन किए हुए थे IE8 के क्रैश होने से पहले, वो सभी क्या हो जाएंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहुत ही क्या है, अच्छा फीचर है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आपके इंटरनेट एक्सप्लोर की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, हिस्ट्रीज, कुकीज को और टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहां जाइए, टूल्स पे क्लिक कीजिए। टूल्स के बाद आप कहां जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोर पे जाइए। उसके बाद आप कहां पे क्लिक कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। यहां पे क्या कर सकते हैं, आपको जो चीज से डिलीट करना है, जैसे टेम्परेरी फाइल डिलीट करना है, तो कुकीज डिलीट करना है, हिस्ट्री डिलीट करना है, फॉर्म डेटा डिलीट करना है, पासवर्ड डिलीट करना है, इनमें से जो चीज डिलीट करना है उसको क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और कहीं पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट पे। तो इससे क्या होगी, जो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोर की जितने भी टेम्परेरी फाइल्स, कुकीज, हिस्ट्री है, वो सभी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। हम इस ऑप्शन को भी यूज करके देखते हैं कैसे करते हैं डिलीट। इसके लिए हम हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर पे चलते हैं। ये मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर है, मैं टूल्स पे जाता हूं। टूल्स पे मैं कहां चला जाता हूं, इंटरनेट ऑप्शंस पे चला जाता हूं। ठीक है, इंटरनेट ऑप्शन पे मैं कहां जाऊंगा, डिलीट पे। डिलीट पे जो चीज मैं डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है, प्रिजर्व फेवरेट वेबसाइट डेटा, ठीक है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, कुकीज, हिस्ट्री, फॉर्म डेटा, पासवर्ड, जो भी मैं डिलीट करना चाहता हूं उसको क्या कर लू, सिलेक्ट कर लू, और उसके बाद कहां पे क्लिक कर दू, डिलीट पे क्या कर दू, क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगी, मेरी जो भी टेम्परेरी फाइल्स, कुकीज, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, वो सभी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपकी कुकीज, हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, डिलीट। अगर आप अगर एक और फीचर के बारे में बात करते हैं, अगर आप आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं, तब आपको इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर क्या डालनी पड़ेगी, प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग डालनी पड़ेगी। तो प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग डालने के लिए आप कहां पे जाइए, टूल्स पे जाइए, टूल्स पे इंटरनेट ऑप्शंस, उसके बाद आप जाइए कनेक्शंस पे, और आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा लैन सेटिंग्स। ठीक है, यहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिए प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रॉक्सी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, जो एड्रेस है वो डाल दीजिए, और उसके बाद जो आपका प्रॉक्सी सर्वर जिस एड्रेस, जिस पोर्ट पे रन कर रहा है, वो पोर्ट क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे डाल दीजिए, और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, आपका जो आप इस प्रकार से क्या कर पाएंगे, आप
आपके इंटरनेट एक्सप्लोर में क्या कर पाएंगे, आपके प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द